हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। अभी तक ही हम पहले वाली वीडियोस में अपने मेथड्स कर रहे थे, एजुकेशनल मेथड्स। इससे पहले वाली जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर हमने 5 या 6 मेथड्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं कि सारे मेथड्स क्या होते हैं, एजुकेशन से आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल है और आपके टीचिंग प्रोसेस में कैसे वो हेल्प करेंगे आपको। ओके, तो अभी आज का जो टॉपिक या मेथड हम करने वाले हैं वो है रेटिंग मेथड, यानी कि रेटिंग विधि। इसमें क्या होता है, बालक या बालकों के व्यवहार की व्याख्या एक दिए गए जो कैटेगरी स्केल होता है ना हमारे पास, इसमें पॉइंट है कैटेगरी स्केल के द्वारा, या जो नेचुरल सिचुएशंस होती है बच्चे की, सामान्य परिस्थितियां होती हैं, स्वाभाविक परिस्थिति होती है, उसके अंदर हम बच्चे का रेटिंग करते हैं। रेटिंग से आपको पता ही होगा, आपके दिमाग में रेटिंग स्केल से पहली जो पॉइंट आता होगा वो यही आता होगा, जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 इस तरह से रेटिंग्स डिवाइड होती हैं। उसमें हम सभी, जैसे 4 टीचर्स है, किसी बच्चे का अगर मैं क्वेश्चन पुट करूँ कि कोई बच्चा अपनी क्लास में कैसे कितना डिसिप्लिन है, मान लीजिए कि ये सीमा मैम की रेटिंग है, सीमा मैम है यहाँ पे अशोक सर हैं आपके, ऐसे करके बाकी सर हैं, तो सीमा मैम ने बताया कि जो आलोक है बच्चा वो क्लास में कितना डिसिप्लिन है, उन्होंने ऐसे करके डिसिप्लिन के बाद उन्होंने उसको 1 मार्क्स दिया, किसी ने 2 दे दिए, किसी ने 3 दे दिए, तो इस हिसाब से क्या है हम रेटिंग कर सकते हैं बच्चे की, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके उसकी हम रेटिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर, इसके अलावा हम, हमारी कुछ कैटेगरीज डिवाइड होती हैं जिसमें अधिक सहमत कि स्ट्रॉन्गली एग्री किया जाता है, मतलब कैटेगरी जैसे 1, 2, 3 में डिवाइडेड है, उसके अलावा जो कैटेगरीज डिवाइड होती हैं वो 5 रेटिंग स्केल्स में होती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अत्यधिक सहमत, मतलब स्ट्रॉन्गली एग्री आप किसी चीज़ से। सीमा क्लास में कितनी एक्टिव है, मैं स्ट्रांगली एग्री हूँ कि हाँ वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है क्लास में। कोई और टीचर क्या होती है, डिसएग्री हो सकती है या फिर सहमत हो सकती है, केवल एग्री हो सकती है, कोई तटस्थ यानी नेचुरल हो सकता है, कोई असहमत डिसएग्री हो सकता है, और कोई अत्यधिक असहमत यानी कि स्ट्रांगली डिसएग्री हो सकता है। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नेचुरल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। ओके, ऐसे करके हम किसी भी, जिसका भी हमें बच्चे का जजमेंट करना है किसी भी पॉइंट को लेके, क्या है वो स्टडीज़ से रिलेटेड हो, उसकी पर्सनल लाइफ से, एकेडमिक स्कॉलर, कुछ भी हो, एनीथिंग, आप रेटिंग स्केल के हिसाब से उसको मार्किंग कर सकते हैं। जैसे आपका और बाकी चीज़ें हैं, क्वेश्चनिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी पहले के मेथड्स में बताया था, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड, उसमें भी क्या करते हैं आप बच्चे को जानने की कोशिश करते हैं, तो इस रेटिंग स्केल के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे के बिहेवियर का एक निरीक्षण निकाल रहे हैं कि वो किस टीचर के, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि बच्चा कितना इस चीज़ में सहमत है, कोई असहमत है कि क्या है। फिर लास्ट में जब हम सबका निरीक्षण करेंगे या कंक्लूजन निकालेंगे लास्ट में, तो देखेंगे कितने टीचर्स के अकॉर्डिंग वो एग्री हैं, डिसएग्री हैं, या बच्चे को किस कैटेगरी में रखा जाता है। अब जो हमारा रेटिंग मेथड्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसके टाइप ऑफ मेथड्स। पहला है आंकिक रेखा यानी कि न्यूमेरिकल रेटिंग। सेकंड है इसका आकृतिक रेटिंग, सॉरी यहाँ पे रेटिंग है, मैंने रेखा कर दिया, रेटिंग। ठीक है, यानी कि ग्राफिक रेटिंग स्केल। और थर्ड है हमारा बांधित चयन विधि, मीन्स फोर्स्ड चॉइस। ये तीनों क्या होते हैं वो समझ लीजिए।
जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी डिवाइड है रेटिंग मेथड की, आंकिक रेटिंग यानी कि न्यूमेरिकल रेटिंग। तो न्यूमेरिकल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें न्यूमेरिकल्स का यूज़ किया जाता है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो इसमें जब हम बच्चे की रेटिंग करते हैं किसी भी टीचर के अकॉर्डिंग, अगर आपको बच्चों का कोई भी रेटिंग करना है कि संजीव जो है स्टूडेंट वो क्लास में आगे बैठता है या पीछे बैठता है, या फिर संजीव कितना डिसिप्लिन है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं उसे जो रेटिंग स्केल्स यानी कि न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4, 5 दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग रखूँगी कि उसको 1 नंबर दिया जाना चाहिए, 2 नंबर दिए जाने चाहिए, 3 नंबर दिए जाने चाहिए। ऐसे ही जब दूसरी टीचर उसका किसी और पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगी तो वो भी ऐसी रेटिंग्स में रखेंगी। तो न्यूमेरिकल्स रेटिंग्स में क्या होता है, नंबर्स में रखा जाता है 1, 2, 3, 4 करके, ठीक है। उसके हिसाब से रेटिंग दी जाती है, लास्ट में कंक्लूजन निकाला जाता है कि कितने टीचर्स ने उनको इस वाले सेम पॉइंट पे एग्री किया, किसने डिसएग्री किया, किसने कितनी रेटिंग्स दी और कितने नंबर्स उसने अचीव किए कहाँ तक, ठीक है। सेकंड आता है आकृतिक रेटिंग यानी कि ग्राफिक। अब इसमें क्या होता है कि ग्राफ बनाया जाता है। आपने मैथमेटिक्स जब पढ़ी होगी मैथ्स के उसमें तो आपने ग्राफ बनाना सीखा होगा। तो ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, ऐसे होता है आपको यहाँ पे जैसे नंबरिंग दी जाती है या फिर यहाँ पे नंबरिंग दी जाती है, तो आप यहाँ पे बताते हैं कि अगर 4 यहाँ पे भी 1, 2 यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट के नाम लिख दिए कि संजीव है, आलोक है, उदय है और ऐसे करके। तो अगर आप रेटिंग करें कि बच्चा क्लास में कितना डिसिप्लिन है, तो हम संजीव के लिए वो कर रहे हैं ग्राफिक में कि संजीव कितना डिसिप्लिन है, तो किसी टीचर ने उसको 1 दिया, किसी ने उसको 2 भी दे सकता है, कोई 3 भी दे सकता है, कोई 4 भी दे सकता है, ठीक है। सभी टीचर्स के नाम अलग अलग होंगे। ऐसे ही फिर दूसरे बच्चे के लिए कि आलोक कितना डिसिप्लिन है, कि मेरे अकॉर्डिंग आलोक था को 3 मार्क्स दे सकते हैं कि वो इतना डिसिप्लिन है, मतलब एक ग्राफ मेंटेन किया है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्राफिकली आप इसको अपनी फिगर को दिखा सकते हैं। और एक और ग्राफ में जैसे एक इस टाइप से लाइन होती है, यहाँ पे आपको स्केल दिया होता है, इसके अंदर रेटिंग के अकॉर्डिंग्स आप दिखा सकते हैं कि बच्चा किस टाइम पे कितना जा रहा है, मतलब आप फर्स्ट पीरियड है बच्चा इतना मतलब डिसिप्लिन है या उसने इतनी चीज़ अचीव करी, सेकंड में बिल्कुल नहीं करी, थर्ड में और करी, तो इस हिसाब से भी आप अपने ग्राफ में जो भी आपको बच्चे के लिए ऑब्जर्व करना है वो आप ऑब्जर्व करके उसके पॉइंट्स को ऐसे ग्राफ बनाकर रख सकते हैं। और थर्ड आता है हमारा बांधित चयन विधि यानी कि फोर्स चॉइस। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक बच्चे को लेकर दो चीज़ों का सेट बनाया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का सेट तैयार किया जाता है एक ही बच्चे को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अंकिता अपनी क्लास में पीछे बैठती है, वह अंकिता एक ही चीज़ से, मतलब हमने केवल अंकिता को टारगेट किया है इसमें, तो अंकिता से रिलेटेड मैं 4 या 5 क्वेश्चंस का सेट बना लूँगी कि अंकिता अपनी क्लास में पीछे बैठती है लेकिन अंकिता डिसिप्लिन है, उसको सब समझ आता है, तो ऐसे करके मैंने 4 या 5 क्वेश्चंस आपके मेंटेन कर लिए। उसमें एज अ ऑब्जर्वर या एज अ टीचर को जब उसकी रेटिंग करनी है तो वो क्या करेगी, जो बेस्ट पॉइंट होगा ना उसका, जो बहुत ही स्ट्रांगली एग्री होगा, जिसमें वो टीचर सबसे ज़्यादा सहमत होगा सब में, मान लीजिए अंकिता क्लास में पीछे बैठती है, एग्री कि पीछे बैठती है, लेकिन वो डिसिप्लिन है, एग्री कि वो डिसिप्लिन है, लेकिन उसको सब समझ आता है, एग्री कि वो उसको सब समझ आता है, और वो बात नहीं करती है ज़्यादा, इससे भी एग्री। लेकिन कोई टीचर ऐसा हो सकता है जो इन 4 क्वेश्चंस में से किसी एक पॉइंट से सबसे ज़्यादा एग्री हो, मतलब बाकी उसे नेगलेक्ट नहीं है, डिसएग्री नहीं है, एग्री है, लेकिन स्ट्रांगली एग्री जिससे होगा वो केवल उसी पॉइंट को चूज़ करके अपनी रेटिंग स्केल में रखेगा, यानी कि वो उस एक पॉइंट के लिए बांधित होगा, यानी कि फोर्सफुली उसको एक पॉइंट चूज़ करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको फोर्स चॉइस यानी कि बांधित चयन कहा है कि वो इतने सारे अपने पॉइंट्स में से जिसके लिए वो एग्री है उसमें से केवल फोर्सफुली एक ही पॉइंट को ऑब्जर्व करते हुए उसका मूल्यांकन करेगा, ये वैल्यूएशन करेगा रेटिंग स्केल के हिसाब से।
अब इसके अंदर आपने रेटिंग मेथड्स क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल मेथड, आपको पता ही है कि रेटिंग्स करनी होती है बच्चे का, आपको जो भी ऑब्जर्वेशन करना है किसी के भी टूवर्ड्स, आपको सिंपल रेटिंग करके बच्चे को मार्क्स देने हैं या उसको किसी कैटेगरी में डिवाइड करना है। रेटिंग स्केल 3 प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ रेटिंग्स, आंकड़ों की रेटिंग यानी कि न्यूमेरिकल रेटिंग आ गई, आकृति यानी कि ग्राफिकल रेटिंग, और बाधिच यानी कि फोर्स चॉइस रेटिंग आ गई आपकी। ओके, अब इस मेथड के गुण अवगुण देख लेते हैं कि गुण और अवगुण क्या है। इसके गुण अवगुण के बारे में बात करते हैं आपकी, इस मेथड को, रेटिंग विधि को हमें क्यों अपनाना चाहिए, इसके गुण अवगुण क्या है। तो फर्स्ट इसका गुण यही है कि इसमें कम खर्च लगता है, इसमें कोई अलग से ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सभी टीचर्स के पास जो स्टेशनरी अवेलेबल होती है, बुक्स कॉपीज़ वगैरह, उसके अकॉर्डिंग वो सिंपल कोई भी रेटिंग और बच्चों का नाम लिख के अपनी रेटिंग मैचेस या स्केल कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं। कम खर्च होती है, वह कम समय लगता है। ओके, इसमें कम समय लगता है क्योंकि आपको सिंपल 5-6 जितने भी आपको क्वेश्चंस रखने हैं आप रख सकते हैं और उसके हिसाब से रेटिंग कर सकते हैं कि बच्चे को इसमें इतना नंबर, इसमें इतना नंबर। इसमें कोई डिफ़िकल्ट वाली चीज़ नहीं है कि आपको एप्रोप्रिएट कुछ आंसर लिखना है, कुछ एसे टाइप करवाना है या कुछ इस तरह से, सिंपल टिक करना है, रेटिंग्स लिखनी है या 1, 2, 3 में आपको डिवाइड करके उसको मार्क्स देने हैं। उसके बाद होता है सेकेंड, विश्वसनीयता होती है। विश्वसनीयता कैसे होती है कि अगर आप किसी बच्चे का कोई गुण, विश्वसनीयता, अगर आप किसी बच्चे का गुण जांचने की कोशिश कर रहे हैं, शील गुण जांचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज आपको जो बच्चा बताएगा कल भी वही चीज़ बताएगा, तो इसमें विश्वसनीयता होती है। और दूसरी चीज़ कि एज अ टीचर, अगर मैं कोई टीचर हूँ, कोई और टीचर हैं, आलोक सर या कोई और भी, तो मेरे द्वारा अगर सेम क्वेश्चन किया जा रहा है, किसी और के द्वारा भी वही क्वेश्चन किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में भी बच्चा आपको वही आंसर सेम करेगा, वहाँ पर वो कोई पार्शियलिटी या अपने आंसर को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, तो वहाँ पे विश्वसनीयता का गुण हमें मिलता है। और इसमें किसी भी विशेष प्रकार की ट्रेनिंग या परीक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, परीक्षण की आवश्यकता ना होना। ओके, इसको रेटिंग स्केल्स को अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स पे और उनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कि नहीं आपको बाहर से कोई एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो आपको सिखा के जा रहे हैं टीचर्स को कि आपको रेटिंग स्केल ऐसे यूज़ करना है, तब यूज़ करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इनको नहीं रखना है, तो इसमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप एज अ टीचर कभी भी क्लासरूम में, प्लेवे ग्राउंड में कभी भी उसको यूज़ कर सकती है, बच्चों के कोई भी एक पॉइंट को ऑब्जर्व करने के लिए। ओके, और इसके अब अवगुणों की बात कर लेते हैं। शील गुणों का अध्ययन नहीं हो पाता है। अवगुण में क्या है इसका, कि जो हमारे ट्रेड्स है, शील गुणों का अध्ययन ना हो पाना अवगुण। हमारा अवगुण के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, शील गुणों का अध्ययन ना होना। इसके अंदर क्या है, कई बार ऐसा होता है कि क्लासरूम टीचिंग के अंदर या फिर प्लेवे ग्राउंड के अंदर अगर हम किसी शील गुण को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे के अंदर किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है या टेम्परेरी बेस भी हो सकता है, वो कुछ टाइम के बाद चेंज भी हो सकता है। जैसे इमोशनल कंट्रोल्स होते हैं बच्चे के, एक्सप्रेशंस होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, टेम्परेरी बेस्ड होते हैं। मतलब अगर आपने अभी चेक करना है कि बच्चे का मुझे बिहेवियर चेक करना है या उसके इमोशंस चेक करने हैं कि वो इमोशनली कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, इसके प्रति इसकी फीलिंग्स क्या हैं, इस तरह की चीज़ें, तो क्या पता आपके ऑब्जर्वेशन के टाइम पे या फिर आपके रेटिंग करने के टाइम पे जब आपको उसको रेटिंग करना हो तब वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए वहाँ पे उसके इमोशंस, वो एकदम भावुक हो जाए या भावुक ना भी हो, वो अपने आप को एकदम संभाल ले या अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर ले, तो उन चीज़ों में क्या है, हम बच्चे का कोई भी शील गुण प्राप्त ठीक से उनका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। थर्ड आता है, सब प्रेक्षक अपने ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। जो भी ऑब्जर्वर होते हैं, मतलब रेटर्स होते हैं, जो आपकी रेटिंग कर रहे हैं या ऑब्जर्व करके आपको मार्क्स देने वाले होते हैं या कुछ भी, तो वो इतने शार्प माइंडेड नहीं होते हैं या फिर इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं अपनी स्किल्स में, ताकि वो आपको प्रॉपर ढंग से ऑब्जर्व करके आपको रेटिंग कर सकते हैं।
उनको पता भी नहीं होता है कईयों को कि कितने 3 types ऑफ रेटिंग्स होते हैं, कैसे आपको न्यूमेरिकल, ग्राफिकल और 4 choice टाइप से आपको डिवाइड किया जा सकता है, कैसे वो आपकी रेटिंग्स कर सकते हैं। तो इस टाइम में क्या होता है कि एक कुशल प्रेक्षक होना ज़रूरी है। तो कुशल प्रेक्षक की अगर कमी है तो कोई भी चीज़ ठीक से नहीं हो सकती है। आपको पता है ना, जैसे कोई भी चीज़ हो, लाइक आपका अगर आपको कुकिंग नहीं आती है या फिर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो आप भी खाना उनको बनाने के लिए बोलते हो जिनकी जो कुकिंग में एक्सपर्ट हो या जिनकी कुकिंग बहुत अच्छी हो। आप मॉम को बोलोगे, उनकी नहीं अच्छी तो किसी और को बोलोगे, ताकि आपके गेस्ट आके आपकी बुराई ना करे, तारीफ़ ही करे कि कितना अच्छा खाना बनाया है या कुछ, या बोलते हैं कि गेस्ट वगैरह इन सबको कैसे इम्प्रेस करने के लिए ट्राई करते हो, राइट। तो इसीलिए अगर एक कुशल प्रेक्षक ही नहीं होगा, उसको अपनी स्किल्स ही नहीं पता होंगी, तो वहाँ पे जो रेटिंग चल रही है, वो मेथड्स यूज़ कर रहा है, वहाँ पे भी अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा, वहाँ पे भी नेगेटिविटी आ जाएगी। अब इस वाले छोटा सा ही मेथड था ये रेटिंग मेथड, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट थे 3 types ऑफ मेथड वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके गुण अवगुण भी समझा दिए आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट आपके लिए लेकर आऊँगी जो नेक्स्ट मेथड होगा। और अगर इससे रिलेटेड, KVS से रिलेटेड आपको और वीडियोस चाहिए, आप और पढ़ना चाहते हैं या और इससे रिलेटेड कंटेंट से रिलेटेड आपको चाहिए, तो कमेंट के थ्रू या फिर जो वेबसाइट का लिंक दिया होता है YouTube चैनल इसमें हमारी वीडियोस में, उस पर आप मेल करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड जो बाकी के, अगर आपको कोर्स चाहिए, अगर आपको ख़रीदना है पढ़ने के लिए PGT कंप्यूटर साइंस वगैरह के लिए, तो आप दिए हुए लिंक पर और मेल कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।